Akhir mein Nilmani ne, it's more of a personal stuff, but he has still written to me ke main abhi sirf aapka advice manta hu. और कभी-कभी वो एडवाइस को अपने हिसाब से अमेंड करके ऐसे यूज करता हूं कि मैं अपनी बहनों पे रौब छाड़ देता हूं, मां पे भी रौब छाड़ देता हूं, कभी-कभी बुरा भी बोलता हूं. हालांकि मैं उन्हें बहुत प्यार भी करता हूं, पर मुझे गुस्सा बहुत आता है. हैव टू बी काम, प्लीज एडवाइस मी. देखा मैंने अभी बोला ना, कुछ आए ना आए लेकिन दूसरे को सिखाने का बड़ा शौक आता है. अभी बोल के हटी ना मैं. ऐसा है, नीलमणि का स्कूल में उसके टीचर उसको जोर से डांटे तो नीलमणि क्या करेगा? व्हाट विल बी योर रिस्पांस? कुछ नहीं ना, चुप करके डांट खाएगा. प्रिंसिपल डांटे जोर से तो क्या करेंगे आप? कर ही नहीं सकते कुछ, राइट? बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, तब आप डांट खा लेते हैं चुपचाप. ऑफिस में कोई काम करता है, वहां पे बॉस आपको डांट दे, क्या करेंगे आप? गेम, नथिंग. अच्छा, उस समय गुस्सा आता है या नहीं आता है? हाँ, पर कंट्रोल होता है ना. क्यों कंट्रोल करते हो बताओ? One at a one time, please. क्यों कंट्रोल करते हो उस समय? हाँ, जॉब वाले की जॉब चली जाएगी और जो स्कूल कॉलेज में है वो है, वहां भी यही चिंता निकाल देंगे. तो निकाले जाने का डर है जिसकी वजह से आप अपने बॉस की, अपने सुपीरियर की, अपने टीचर की बात सुन लेते हो. तो गुस्सा तो आता है, पर यू नो ये गुस्सा कैसा आता है? जैसे एक तो ये होता है कि जैसे छींक आए तो बस आई जाती है कि रोक सकते हैं. तो गुस्सा छींक नहीं है, गुस्से को आप मैनेज कर लेते हो. लेकिन जब आप घर में होते हो, फैमिली के साथ होते हो, तब तुम्हें लगता है ये थोड़ी घर से निकाल देंगे. इसलिए अपने बहनों और अपने भाई और अपनी माँ, उसके साथ हम लोग लेवरेज ले जाते हैं और भड़बड़ 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 कुछ भी कर देते हैं, राइट? ये डर नहीं है कि वो हमें निकाल देंगे, ये डर नहीं होता है. इसलिए वो जो स्कूल में डांट पड़ी, वो जो दोस्तों ने खिंचाई करी, वो जो रास्ते में किसी ने थप्पड़ मारा, वो जो किसी स्पोर्ट्स टीचर ने डांटा, वो दिन भर की जो डांट होती है आपके अंदर, वो शाम को घर आके रिलीज कर देते हो. ऐसे जैसे किसी ने छींक रोकी हो पूरा दिन और घर आते कहे रुक, ऐसा होता नहीं है. प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है कि छींक तुम्हें आए और तुम रोक लो. इट्स नॉट पॉसिबल. एंड यू नो व्हाट, इट इज पॉसिबल टू रिस्ट्रेन योर स्नीज, बट देर इज अ मेथोडोलॉजी टू इट. द प्राणिक फोर्स विच कॉज इज स्नीज, इफ यू हैव द अबिलिटी टू मैनेज दैट, देन यू कैन इवन हैव अ कंट्रोल ऑन योर स्नीज, ऑन योर कफ, ऑन योर यानिंग एंड ऑन योर स्लीप एंड ऑन योर हंगर एंड ऑन योर थर्स्ट. जल्दी से ये बात नहीं मान लेनी चाहिए कि ये हो नहीं सकता. हठ योग प्रदीपिका और उसके जैसे जो और योग के कुछ एक प्रैक्टिकल ग्रंथ हैं, उनमें हाउ टू मैनेज योर नेचुरल अर्जेस, उसका भी पूरा विज्ञान दिया हुआ है. अब ये दुनिया में कोई ऐसी किताब, कोई ऐसा शास्त्र, कोई ऐसी फिलॉसफी नहीं है जो आपको ये चीज़ें भी बता सकते हो, लेकिन भारत के मनीषियों ने इसके ऊपर भी काम किया. हम अपने घर वालों के साथ थोड़ा रूड इसलिए भी हो जाते हैं, एक हमें मालूम है कि वो हमें प्यार करते हैं, दो
हमें ये भी अंदर से पता है कि बाहर वाला कोई हमारी बदतमीजी नहीं सुनेगा, पर ये चूंकि मुझे प्यार करते हैं तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो सकता हूं। तीसरा, हम कभी कभी अपने ही लोगों के साथ इनसेंसिटिव हो जाते हैं। वी आर वेरी कॉशियस एंड स्वीट एंड पोलाइट व्हेन वी टॉक टू अ स्ट्रेंजर, पर जब अपने ही घर में किसी से बात करते हैं, वी आर नो मोर पोलाइट, वी आर नॉट सेंसिटिव एंड वी जस्ट ब्लर्ट आउट एनीथिंग। एंड ऑफ द डे दैट इज नॉट अ नाइस थिंग। कभी जोर से गुस्सा आए तो एक काम करिए, आपके लिए मैंने कहा था ना, थिएटर का वर्कशॉप, ड्रामा का, एक्टिंग स्किल्स का वर्कशॉप है, तो उस वर्कशॉप का एक टिप आपको देती हूँ। एनीबडी हु विशेस टू बिकम ए गुड एक्टर शुड प्रैक्टिस विद द मिरर। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लेट योर एक्सप्रेशंस कम आउट। तो अगर आपको कहीं कभी ख्वाहिश एक्टिंग में जाने की होए तो ये उसमें तो बड़ी काम आएगी, बट इन एनी केस आपको एक्टर नहीं बनना है, लेकिन आपके गुस्सा आया है और जी हो रहा है कि कुछ बोलूं। अच्छा, मालूम क्या है, वी लर्न फ्रॉम आवर एनवायरमेंट। बाप, दादा, पड़ोसी, चाचा, किसी को भी हमने देखा कि जब उन्हें गुस्सा आता तो गालियां निकालते, राइट? गाली निकालेंगे, और जब गुस्सा आएगा तो वो बस, ट्रक, ऑटो, स्कूटर, मोटरसाइकिल को भी गाली निकाल देंगे, ये समझते हुए कि उनके कान तो है नहीं, फिर भी गाली देते हैं। तो वो गाली देना एक वेंटिंग आउट का एक सिस्टम सा बन गया है। तो अब हमने ये सब ऑब्जर्व किया है, हमारे आसपास लोग ऐसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हम हैबिट ले लेते हैं कि जब हमें गुस्सा आए क्या करो, गाली दो, यूज एन अब्यूसिव वर्ड, गाली दे के एज इफ कोई फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगी। देखिए, मे बी दैट माइट वर्क बट नॉट टू अ पर्सन, ट्राई इट ऑन अ मिरर। तो शीशे के सामने खड़े होकर भाई दरवाजा बंद कर लेना, मेक श्योर नो बडी वॉचिज यू वेन यू डू दिस, बट आई प्रॉमिस यू दिस वर्क्स ब्यूटिफुली, दिस वर्क्स ब्यूटिफुली। क्या करें, शीशे के सामने खड़े होकर जो गुस्सा आया निकाल दो, जितने जोर से निकालना निकाल लो, जो गाली बकनी है बक लो। अब गाली बोल रहे हो तुम, सुन रहे हो? डेंजरस नहीं है ये काम, लेकिन आप किसी बंदे या बंदी को गाली निकालो तो ईंट का जवाब पत्थर मिलेगा, और गलत जगह अगर पंगा ले लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक सड़क पे एक मोटा आदमी एक पतले आदमी को पीट रहा था, जिस ही लोगों ने देखा, एक ने कहा, हा देखो वो बेचारे पतले से को, कमजोर को मार रहा है, ये मोटू को पकड़कर पीटो। चार लोग आके वो मोटे को मारने लग गए, मोटा बेचारा हैरान हो गया, अरे मुझे क्यों मार रहे हो, इधर से घूसा मुक्का थप्पड़ सब पड़ रहे, उसको बोलने का भी मौका नहीं दिया। इतने में जो पतला वाला बंदा था वो भाग गया, तो मोटे को बड़ी जोर से उसने कहा, अरे रुको तो, उसने मेरी जेब काटी थी, उसने मेरा बटुआ निकाला, मैंने उसे पकड़ा, मैं इसलिए मार रहा था, तुम मुझे क्यों मार रहे हो। देखने पे सबको क्या लगा, मोटा अत्याचार कर रहा है पतले पर, बट एक्चुअल में क्या हुआ था, वो टेढ़ हड्डी उसका नुकसान कर गया है। आप किसी पर अपना गुस्सा निकालें, ये बड़ा खतरनाक मामला है। आज का बेहतरीन लेसन नंबर वन, गुस्सा आए क्या ढूंढो, मैंने इसलिए आज निकाल के रखा।
अच्छा एक चीज और भी है, मोबाइल और सेल्फी के जमाने में ये शीशे पे जाएंगे गुस्सा निकालने और ये अच्छी लग रही, इस एंगल से एक फोटो ही निकाल लेते People are so obsessed with their self without knowing what the self is, and they are taking a selfie and thinking that they are doing some a great achievement. ये शीशा बड़ी कमाल की चीज, बड़ी कमाल की चीज, बट आपके गुस्से की मैनेजमेंट के लिए ये आपका एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है. Thank you.